दिल्ली से बेहद करीब यूपी की वो सीट जिसका देश की राजनीति में बड़ा मुकाम है। कम लोगों को मालूम होगा कि पूरे देश में गाजियाबाद के लोग वोटिंग में सबसे आगे हैं। उसी गाजियाबाद में इस बार मोदी के जनरल वीके सिंह दोबारा मैदान में हैं। वो वीके सिंह जिन्होंने पिछली बार यहां से 5,67,000 से जीत दर्ज कर कांग्रेस के राज बब्बर समेत तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा दी थी, इस बार उन पर दबाव है कि वो अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़े या कम से कम उसे कायम रखें। वीके सिंह इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम पूरे कैंपेन के दौरान उनके साथ रहे। जिस वक्त पर सोकर उठते हैं, अपने आगे की तैयारी करते हैं, जनरल वीके सिंह वक्त से कहीं बहुत आगे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद स्थित राजनगर के एक सेंट्रल पार्क में मौजूद हैं और इस वक्त तमाम महिलाएं, तमाम वो लोग जो इस इलाके के वोटर्स हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं वो खुद ही बता देंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं, सुबह सुबह ही आपकी दिनचर्या ऐसी शुरू हो जाती है, इस वक्त तक तो कई नेता सोकर नहीं उठते हैं। ऐसा है, नेता क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन एक फौजी जो है उसकी उसकी दिनचर्या ऐसे ही शुरू होती है। मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह आज भी खुद को नेता से कहीं ज्यादा फौजी मानते हैं, लिहाजा उनका कैंपेन भी बाकी नेताओं से अलग है। जनरल सिंह उस वक्त लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं जब लोग पार्क और मैदान में घूमने टहलने, योगा करने निकलते हैं। इसकी वजह भी वो खुद बताते हैं। सब मुस्कुराते दिखते हैं, सब कुछ काम करते दिखते हैं, तो पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है। तो अमूमन आप इतनी ही जल्दी सुबह अपनी शुरुआत करते हैं या अभी इलेक्शन का वक्त है? मेरी दिनचर्या ऐसे ही है। वीके सिंह का ये फंडा हिट है क्योंकि सुबह के समय हमने देखा कि जितना उत्साह वीके सिंह में था उतना ही पार्क में आए लोगों में भी। लोगों से मुलाकात के बीच वीके सिंह की मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई जिसने सूर्य नमस्कार कर लोगों की तालियां बटोरी। बहुत अच्छा करती है, सबसे फ्लेक्सिबल बॉडी है। क्या करके दिखाओ? करके दिखा दो, करके दिखा दो। सूर्य नमस्कार करो ऐसे। वीके सिंह के साथ अभी हम आगे भी चलेंगे और देखेंगे कि गाजियाबाद के लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं या नहीं, लेकिन उससे पहले हम आपको गाजियाबाद की लड़ाई समझा दें। बीजेपी से वीके सिंह के सामने कांग्रेस ने यहां से युवा ब्राह्मण चेहरा डॉली शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन ने आखिरी समय में यहां से पूर्व विधायक सुरेश बंसल को टिकट दिया। बंसल से पहले गाजियाबाद के विधायक रहे सुरेंद्र कुमार मुन्नी को एसपी का सिंबल मिला था, लेकिन डॉली शर्मा के मैदान में आते ही मुन्नी से सिंबल इसलिए ले लिया गया कि गाजियाबाद के वैश्य वोटर्स अगर बट जाएं तो बंसल बाजी मार सकते हैं। लेकिन वीके सिंह के वोटर्स कहते हैं अब की बार फिर से मोदी लहर है, लिहाजा सीट भी 400 पार है। अभी तो एक ही लक्ष्य है, मोदी का नारा है, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और उनको जो है ये कोशिश है कि कीर्तिमान स्थापित हो, ऐसी उनको वोट मिले, इस बार 400 पार। अपने क्षेत्र का बदला समीकरण वीके सिंह के दिमाग में भी है, लिहाजा वो एक एक गांव, एक एक सोसाइटी पहुंच रहे हैं। वीके सिंह के साथ हम गाजियाबाद की प्रतिष्ठा सोसाइटी में पहुंचे जहां पहले से कार्यक्रम तय था, यहां लोग इंतजार कर रहे थे। हमने उनसे पूछा महागठबंधन पूरी ताकत से मैदान में है, चुनौती कितनी बड़ी है? कोई गठबंधन नहीं है, बहुत ही लहर है। 543 सीटों पर मोदी जी लड़ रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार की संशय नहीं है। महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है वो। मोदी जी बहुत भारी बहुमत से, पिछली बार से ज्यादा 400 के पार हम सीट जीत रहे हैं इस बार। जनरल सिंह सुबह के 7:30 बजे तक दो नुक्कड़ सभा कर अब अपने घर के लॉन में हैं। हमने यही उनसे पूछा आखिर उन्हें दूसरी बार पार्टी ने गाजियाबाद से मैदान में क्यों उतारा। नहीं देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने एक विश्वास जताया। गाजियाबाद पिछले 4.5 साल के अंदर जिस तरह का विकास हुआ है वो उतना पहले कभी नहीं हुआ। वीके सिंह का दावा आपने सुना, लेकिन हकीकत क्या है? यही है,
दरअसल लखनऊ और दिल्ली में बीजेपी सरकार के दौरान गाजियाबाद को पिछले 4.5 साल में 225,000 करोड़ की योजना परियोजना मिली है। इसमें हाईवे, एलिवेटेड रोड, दो बड़े सरकारी अस्पताल, मेट्रो फोर्थ फेज, डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ और भी कई चीजें हैं। मतलब जनरल सिंह का दावा काफी हद तक सही है। खैर, अब सुबह के 7:45 बज चुके हैं और ये समय जनरल सिंह के ब्रेकफास्ट का है, लिहाजा हम उनके डाइनिंग टेबल तक पहुंचे, जहां जनरल सिंह की पत्नी ने कई राज खोले। क्योंकि भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मपत्नी हैं जनरल वी के सिंह की, वो खुद बताएंगी ब्रेकफास्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं, या ये ना के बराबर ब्रेकफास्ट होता है? ना के बराबर ही ब्रेकफास्ट होता है। इज अ वेजिटेरियन पर्सन, नो एग, नो। अच्छा, फौजी और वेजिटेरियन, ये कॉम्बिनेशन कैसे? यस, लॉन्ग टाइम लेफ्ट दिस। ब्रेकफास्ट में आप ले रहे हैं ये क्या है? ये लड्डू है और ड्राई फ्रूट, लिटिल बिट गोंद एंड आटा मेक दिस। अच्छा, एक नेता के तौर पर ये क्या है ये तो पूरी दुनिया जानती है, एक हस्बैंड के तौर पर ये क्या है, एक पिता के तौर पर जनरल साहब क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पिता के तौर पर तो ये वेरी सॉफ्ट मैन, अपने बच्चों को ही कांट से एनीथिंग। एज ए हस्बैंड आई कैन से ही इज अ वेरी डिफिकल्ट मैन। सम टाइम मेरे को पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। दरअसल वीके सिंह की पत्नी मिसेस भारती ने इसी दौरान यमन में जनरल सिंह की अगुवाई में हुए ऑपरेशन राहत को लेकर वो बातें बताई जो शायद अभी तक सामने नहीं आई थी। मैंने टीवी ऑन किया तो उसमें नीचे टिकर आ रहा था कि जनरल वीके सिंह इज गोइंग टू यमन। अब मैंने टीवी तो देखा, उठकर पानी वानी पिया, फिर मैं बाहर आई तो मैंने उनको ऑफिस में रिंग किया और बड़े जोश में आके मैंने कहा कि आर यू गोइंग टू यमन? तो ये सर हाँ, मोदी जी भेज रहे तो यमन तो जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा व्हेन आर यू गोइंग? तो कहते हैं 9:00 की फ्लाइट है, 5:30 इन द इवनिंग। तो मैंने कहा पैकिंग कब होगी? हो जाएगी। तो 7:00 ही कम्स बैक फ्रॉम द ऑफिस, वो थोड़ा बहुत 3 दिन का सामान डाला उन्होंने और चल पड़े। बोले कि 3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है जाइए, और चले गए। जब वहाँ 13 डेज लगे, ऑल 13 डेज, तो मैं तो सोच रही थी कि मैं आर्मी चीफ की वाइफ से, ये हस्बैंड मेरा रिटायर हो गया है, लड़ाई वड़ाई झगड़ों से मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब ये शायद नहीं, तो ये तो एज ए मंत्री लड़ाई में कूद पड़ा। ऑपरेशन राहत यमन में भारत का वो ऑपरेशन था जिसमें करीब 4,000 भारतीयों को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाकर लाया गया। भारतीयों के अलावा अमेरिका, पाकिस्तान के नागरिकों को भी छुड़ाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में जनरल सिंह की जोरदार भूमिका की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। खैर, बात करते करते सुबह के 8:30 बज गए थे। जनरल सिंह इन दिनों रोजाना इस समय अपने चुनाव कार्यालय में होते हैं। यहाँ पूरे गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं से मिलना, फिर आगे कैंपेन के लिए निकलना। वीके सिंह के साथ हम गाजियाबाद के दुहाई गांव पहुंचे, जहां लोगों को जनरल सिंह से शिकायतें भी थी। इस वक्त मैं गाजियाबाद के दुहाई गांव में हूं, जहां पर ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक छोटी सी जनसभा है जिसे संबोधित कर रहे हैं जनरल वीके सिंह, क्योंकि वो इस इलाके के प्रत्याशी हैं, इसलिए जनसंपर्क का काम लगातार जारी है। लेकिन इस इलाके के कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, जरा हम उनसे जान लेते हैं क्या माहौल है, क्या समस्या, सबसे पहले तो ये बताइए। मैडम, समस्या का यहाँ तो कुछ काम हो ही नहीं रहा, नेता जी आए 5 साल बाद आए, पूछो इनसे। आगे देर शाम तक हम वीके सिंह के साथ घूमते रहे। गाजियाबाद के गांव में जरूर थोड़ी बहुत नाराजगी दिखी, जिसे दूर करने के जुगत में खुद वीके सिंह दिन रात लगे हुए हैं।